नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश आपके साथ। मेरे साथ है आकाश और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर के हम हाजिर है आपके सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा राम रहीम बलात्कारी बाबा को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुना दी है और कोर्ट ने सजा सुनाई है 10 साल की। जी हाँ, बलात्कारी बाबा राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। मेरे साथ इस वक्त है आकाश। और राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन उससे पहले कोर्ट रूम में जो ड्रामा हुआ, बाबा राम रहीम गिड़गिड़ाए कोर्ट के सामने, सजा को कम करने की मांग की गई, वो सब आपने देखा। कोर्ट का फैसला बहुत बड़ा फैसला, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, राम रहीम के वकील ने बार बार ये दलील दी कि राम रहीम समाज सेवी है, राम रहीम राहत कैंप लगाते हैं, राम रहीम गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन माननीय न्यायाधीश जगदीप सिंह ने इस बात को बिल्कुल नहीं सुना और आज भी कोर्ट रूम में राम रहीम हाथ जोड़कर खड़े थे। हेलीकॉप्टर से उन्हें सिरसा से लाया गया था, रोहतक से लाया गया था, और इसके बाद वो बार बार कोर्ट रूम में इस बात के लिए गिड़गिड़ाते रहे कि उन्हें माफ कर दी जाए। उन्होंने 2 बार माननीय न्यायाधीश के सामने कहा कि उन्हें बख्श दीजिए, लेकिन ये सब नहीं माना गया। दोनों पक्षों को 10-10 मिनट का वक्त दिया गया था। इस 10-10 मिनट के वक्त में दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखनी थी। एसके गर्ग जो कि वकील हैं राम रहीम के, उन्होंने इस बारे में कहा कि वो भलाई करते हैं लोगों की और इसको आधार बनाकर के उन्हें माफी देने की बात चल रही थी, लेकिन धारा 376, 506 और धारा 511 के तहत जो सुनवाई पूरी हुई वो यही हुई कि राम रहीम को जेल जाना होगा और 10 साल के लिए उन्हें जेल जाना होगा, 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस बीच में सिरसा जो कि डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है, वहां कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। इस बात की जानकारी भी कोर्ट तक पहुंचाई गई कि सिरसा में जो कुछ भी हो रहा है वो भी इस बात से भी न्यायालय अवगत रहे कि सिरसा में 2-3 गाड़ियों में आग लगा दी गई। और ये खैर, इस बीच डेरा सच्चा सौदा के तरफ से ये भी कहा गया कि कोई आगजनी नहीं की जाएगी, कोई बवाल नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी पूरी बातचीत जब हुई, पूरी सुनवाई जब खत्म हुई, तो राम रहीम के वकील की दलील को नहीं माना गया और जज ने साफ साफ कहा कि आपको 10 साल के लिए जाना होगा, क्योंकि न्यायाधीश के तरफ से ये कहना था कि अगर आप समाज सेवा करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रेप का आपको कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाए। कोर्ट रूम में वैसे वो रोने लगे, सफेद कपड़ा पहनकर आज राम रहीम खुद पहुंचा। हां बिल्कुल, राम रहीम ने पूरी कोशिश की कि वो जज साहब का दिल जो है वो किसी तरह माफी उनके सामने मांगने लगे। कहीं ना कहीं राम रहीम की कोशिश थी कि जो रोना धोना मचा करके वो अपनी सजा को कम कर सकें, लेकिन जज साहब पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा और राम रहीम को 10 साल की सजा दी गई। जज के सामने वो अच्छे काम की दलील बार बार दे रहे थे, बार बार यही दलील दी जा रही थी कि वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने इस बात को बिल्कुल भी, इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक बात और है कि बाबा की बीमारी का बहाना भी बताया गया कि राम रहीम बीमार है और उन्हें बैक पेन है। राम रहीम जब सजा दोषी उनको फैसला आना था, उससे पहले एक दिन उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि उनकी पीठ में दर्द है, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि राम रहीम जो है बीमारी का बहाना बना सकते हैं, और आज उन्होंने ये दलील दी भी। हाँ, लेकिन उनको दलील उनकी मानी नहीं गई और कोर्ट ने अंत में यही कहा कि आपको जेल जाना ही होगा, अब राम रहीम को जेल भेजा गया है। वकील बार बार इस बात की दलील दे रहे थे, 10 मिनट की दोनों पक्षों को, जो मैं आपको पहले बताया कि 10 मिनट का वक्त दिया गया था, उसमें 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा, आधे आधे घंटे का वक्त दोनों तरफ से लगा। एक लंबी सुनवाई हुई और इस लंबी सुनवाई के बाद फैसला यही हुआ कि धारा 376, धारा 506 और धारा 511 के तहत राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई जा रही है और अब राम रहीम को जेल भेजा जाएगा। और साध्वी जिन्होंने आरोप लगाया था, ये उनकी एक बड़ी जीत है और ये एक संदेश भी है उन लोगों के लिए जो धर्म की आड़ में धौकनी की तरह धमकते तो हैं, धड़कते भी हैं, लेकिन अंत में उनकी स्थिति यही हो जाती है। तो ये एक संदेश भी है कि 10 साल के लिए कैसे बलात्कार के आरोप में राम रहीम को जेल जाना होगा, और ये एक संदेश इसलिए भी है क्योंकि धर्म के नाम पर में इन चीज़ों में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये पिछले कुछ दिनों में साफ साफ देखा गया है। जी बिल्कुल, तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, बाबा राम रहीम जो कल तक रॉकस्टार बाबा थे अब हैं बलात्कारी बाबा, और इस बलात्कारी बाबा को 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ हर खबर के लिए। नमस्कार।